सो गाइस ये गोली दी है और सबसे इम्पोर्टेंट है जिन कोविड, अब इसे खाता हूँ क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, उसे खाते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोड साइड लाइफ व्लॉग। और मेरे लास्ट व्लॉग के बाद मेरे को थोड़ा सा फीवर आ गया है और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और फीवर भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो अभी मैं ज़्यादा पैनिक नहीं हो रहा हूँ और थोड़ा टाइम मैं अपने आप को क्वारंटाइन करूँगा, 14 डेज़ क्वारंटाइन करूँगा। और उससे पहले जब तक फीवर थोड़ा ठीक नहीं होता तब तक घर ही पे रहूँगा और किसी से मिलूँगा नहीं और घर ही पे खाना खाऊँगा, हर एक चीज़ करूँगा। फिर उसके बाद टेस्ट कराऊँगा, मालूम करूँगा कि क्या हुआ है, क्या हुआ था। पर अभी के लिए मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा और प्रिकॉशंस लेंगा, मेडिसिंस लेंगा जितनी भी हो सके। अब देखो क्या होता है, अभी तो बहुत ज़्यादा फीवर है। मैंने बहुत सेफ्टी रखी थी बट फिर भी हो गया। अभी मैं थोड़ा कल रात में हुआ था मेरे को और मैंने अपने आप को घर में क्वारंटाइन कर दिया है 14 दिन के लिए, जिसमें मैंने यही पानी का भी रख दिया है, दवाई खाना है ना सब। होप जल्दी ठीक हो जाऊँ मैं। अभी नापते हैं फीवर और पीठ इतनी ज़्यादा दुख रही है ना, इतनी ज़्यादा दुख रही है, मतलब पीठ, फीवर, हर चीज़। मतलब आज से चालू हुआ है और बहुत गंदा पेन होने वाला है। उन्होंने बोला, डॉक्टर ने बोला है 4 दिन बहुत पेन होगा और मेरे पैर में ऑलरेडी लगी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि जो आपका लगा हुआ है उसमें और पेन होगा। तो मेरा बैक पेन और मेरा पैर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। तो अभी मैं थोड़ा फीवर नापता हूँ अपना और थोड़ा रेस्ट करता हूँ गाइस। गाइस अभी मेरा जो टेम्परेचर है वो 102 है और बहुत ज़्यादा है। और मेरे को बोला है डॉक्टर ने स्टीम लेने को, जितना हो सके स्टीम लो, स्टीम ले रहा हूँ। मेरा चेहरा देख लो गाइस कैसा हो गया, मेरा सर इतना तेज दुख रहा है ना। सॉरी गाइस, मेरे को कैमरा बंद करना पड़ा क्योंकि मेरा पेन बहुत हो रहा है, मैं बता नहीं सकता कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। मतलब फीवर भी है और बैक पेन बहुत ज़्यादा है, तो बस अभी घर ही पे रहना जितना हो सके, 14 दिन तक घर पे रहूँगा मैं ज़रूर इस करोना को मार के रहूँगा, तो मैं मार लूँगा। सॉरी गाइस, फिर से करना पड़ेगा, फिर से नापते हैं कितना है। एक सौ एक। ये मेरे को हल्दी वाला दूध पीना पड़ रहा है क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा है, पेन बहुत ज़्यादा है गाइस। और मतलब मैं रात में सो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी पीठ का दर्द मतलब सहन ही नहीं हो रहा, और जैसे मैं उठ रहा हूँ ना तो अंधेरा छा जा रहा है, मतलब ऐसे ही उठ रहा हूँ। तो गाइस मेरे को इससे फाइट तो करना है कैसे भी करके, पर अभी फ़िलहाल रेस्ट कर रहा हूँ। मैं स्टीम भी कर रहा हूँ, सूप ज़्यादा पी रहा हूँ, ज़्यादा गर्म चीज़ें काढ़ा पी रहा हूँ, विटामिन सी के लिए कर रहा हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिना चीनी के पीऊँ, वैसे भी मुंह पे टेस्ट नहीं आ रहा। अभी कोई मिर्ची रख दे तो जी नहीं फटेगी, टेस्ट ही नहीं आ रहा मुंह पे, टेस्टलेस।
और मेरा जो बुखार है वो 101.9 है, जो ज़्यादा है, 98 पॉइंट कुछ होना चाहिए। मेरा थोड़ा ज़्यादा चल रहा है और टेस्ट तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, और मैं घर ही पे हूँ। मेरा सारा चीज़ अलग हो गया, डिस्पोजल में खाना खा रहा हूँ मैं। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, पर मेरे को हिम्मत जुटानी पड़ेगी गाइस, जुटानी पड़ेगी। तो मैं ये चीज़ जो है वो ट्राई करता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा आता है, क्योंकि मेरा पूरा टेस्ट चला जा चुका है। मैं देखना चाहता हूँ थोड़ा सा भी क्या टेस्ट आता है। मेरी खुशबू वाली शक्ति जा चुकी है। मैं कैसे बताऊं, मेरे कुछ जरा सा भी टेस्ट नहीं आ रहा। मुझको जरा सा भी टेस्ट नहीं आ रहा, और ये पहली बार हुआ है। मेरे हाथ में, आपको लग रहा होगा मसाला नहीं है, मेरे हाथ में पूरा नमक लग रहा है, जैसे देख सकते हो पूरा हाथ में नमक है। पर इसका टेस्ट नहीं आ रहा है। अरे एक होता है ना कि ज़रा सा तो टेस्ट आए, मतलब हल्का सा नमक का ही आ जाए। मैं अभी मिर्ची रख लूँ तो मिर्ची का टेस्ट नहीं आएगा। ये आखिरी है, क्योंकि ये खाना खा सकते हो टेस्ट चेंज करने के लिए, पर टेस्ट आए तब ना। मैं जिंक ज़्यादा खा रहा हूँ और विटामिन सी काढ़ा भी पी रहा हूँ, हल्दी वाला दूध, क्योंकि मेरे को पेन हो रहा है, और नींबू पानी सुबह पी रहा हूँ, और हर दूसरे तीसरे घंटे मैं नाप रहा हूँ अपना फीवर। अभी तो 101.8 है, अभी दवाई खाना है। डॉक्टर ने ये बोला अपना फीवर कम करो, और जब भी मैं बाहर जा रहा हूँ खाना लेने, मैं अपना मास्क पहन के जा रहा हूँ। टेस्ट नहीं आ रहा, चाहे बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा। वैसे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और मैं अपना कचड़ा एक जगह रख रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैंने जो जो चीज़ ली है या खाई है या डिस्पोजल है, उसे एक जगह रख रहा हूँ। उसके बाद उसका क्या करना है, सरकार के द्वारा जो नगर निगम में है वो आते हैं, जिनको हो जाता है, तो वो अपना कचड़ा उठा के वो अपने हिसाब से डिस्पोज करते हैं। तो अभी जस्ट अपना रखना कचरा और वो आके उठा लेंगे। तो नींबू डालेंगे, हिम्मत नहीं हो रही है, दम नहीं लग पा रहा मेरे से। जय श्री राम, जय श्री। इसको थोड़ी देर छोड़ दूंगा, थेड़ी थेड़ी इसे थोड़ी देर छोड़ दूंगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है। जैसे ये झंडू बाम है, जैसे क्या झंडू बाम ही है, तो इसकी स्मेल पूरी है। कोई स्मेल ही नहीं आ रही है, ना तीखा ना कुछ। कुछ नहीं आ रहा, इवन डीओ का भी नहीं आ रहा। मैंने सब ट्राई करके देख चुका है, फीवर चला जाए तो ठीक हो जाएगा, और मैंने अभी गोली खा ली ऑलरेडी। तो गाइस मेरे को नहीं पता वीडियो कैसी बन रही है, आपको पसंद आएगी या नहीं आएगी, बट
अगर मैं बात नहीं करूंगा आपसे मैं परेशान हो जाऊंगा, क्योंकि मैं किससे बात करूं, मतलब समझ सकते हो ना। चेस है भीष्म, कप भी भारी लग रहा है, नाजुक लहर। खट्टा का फील आ रहा है, मसाला खुशबू एंड अ टेस्ट बर्ड्स। ये अभी मैंने था कड़वा सा लगा, टेस्ट में कड़वा लग सकता है क्या टेस्टलेस में? आज से लेके तक चलो गाइस ऐसे पी लेता हूँ, फिर थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर खाना खाना है, फिर दवाई खाना है, फिर सोना है, पूरे टाइम सोना है। भाप ले लिया है, अब मैं नाश्ता ले रहा हूँ जो रखा हुआ है बाहर, तो मास्क लगा के मैं लेता हूँ खाना। अभी मैं स्टीम ले रहा हूँ क्योंकि स्टीम ज़रूरी है और तबीयत अभी ठीक है मेरी, और बुखार नापते हैं कितना है। हो गया तो वैसे ही देखा जाए तो अब तबीयत ठीक हो रही है मेरी। हाँ तो अभी आ रहा है मेरा 98.6, तो बुखार तो नहीं है फिलहाल, भाप लेते हैं। सो गाइस, मैं विटामिन सी के लिए और जिंक के लिए ये वाली टैबलेट खा रहा हूँ। ये टैबलेट का नाम है सिट्रासी। ये यूजुअली कोई भी खा सकता है, कभी भी खा सकता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी मिलता है और जिंक मिलता है, और ये बहुत ना अजीब सा है, मतलब च्यूएबल है। और इसकी गोली दिखाता हूँ कैसी है, तो गोली इसकी ऐसी दिखती है, पतली है और घुलती ही है और खट्टी है। ऑरेंज हो गई, खट्टी है। इसमें विटामिन सी और जिंक है, तो थोड़ा सा जब मेरे को बुखार था तब मेरे को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि टेस्ट नहीं आ रही थी मेरे को, अब समझ आता है यार। पूरा देखोगे क्या? और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है, तो मैं कल जा रहा हूँ टेस्ट करवाने, SRL डायग्नोस, जो राइट टाउन मेरे घर के पास बोल सकते हैं, तो वहाँ जा रहा हूँ मैं कल टेस्ट कराने की मेरी तबीयत में क्या सुधार है या क्या नहीं है। और उसकी जो रिपोर्ट है वो 2 या 3 दिन में आएगी, तो फिलहाल कल जाते हैं और अभी के लिए रेस्ट करते हैं। होप फॉर द बेस्ट कि मेरा नेगेटिव आए, अभी के लिए मैं आराम कर रहा हूँ, और एक बार नेगेटिव आ जाए तो मैं थोड़ा सा खुश तो होऊंगा और अच्छा लगेगा, और एक तरीके से मैं प्लाज्मा डोनर भी बन सकता हूँ। सो गाइस, अभी के लिए रखते हैं, गुड मॉर्निंग। और आज मैं जा रहा हूँ अपना टेस्ट करवाने राइट टाउन के पास, क्योंकि घर में भी बुलाया था तो घर में नहीं आ रहे हैं, तो मेरे को ही जाना पड़ेगा। तो होप फॉर द बेस्ट, अभी जाते हैं। एक्यूरेट होने से ही दो। और अंदर डालना पड़ेगा क्या? हाथ नहीं पकड़ना। अबे ये खाने का दीजिए। Thank you.
नाक में डाला कि हो गया। तो गाइस टेस्ट हो गया है और इसका जो रिजल्ट है वो 4 से 5 दिन लगेंगे, क्योंकि अब नया कानून लागू हो गया है जिसमें 15 सैंपल एक बार में जाएंगे और एक्यूरेट बताएगा। तो इन्होंने बोला है कि 5 दिन लगेंगे, तो 5 दिन में थोड़ा और अपने आप को ठीक करूँगा। और बहुत अजीब लगता है, अभी भी नाक दुख रही है। चला इससे अच्छा तो मार ही लेते। नाक खुजली हो गई, थोड़ी देर और करता ना बाबा। सूर्य बंसम। तो गाइस अब हो गया, अब थोड़ा घर चलते हैं क्योंकि धूप भी ज़्यादा है और पुलिस वाले ने भी रोका था, पर मैंने बोल दिया टेस्ट कराने जा रहा हूँ। तो गाइस अभी तो मैं घर जाऊँगा और कहाँ, सब बंद है। सो सी यू। टेस्ट हो गया है, होप फॉर द बेस्ट, क्या होता है 4-5 दिन बाद। और यहाँ पे मैं राइट टाउन आया हुआ हूँ, यहाँ पे है 900 रुपये लगते हैं। तो गाइस मैं घर आ चुका हूँ और अभी भी नाक में गुदगुदी टाइप की हो रही है कि बहुत अंदर डाला था। और आज दुर्गाष्टमी है, महाअष्टमी है, तो आज थोड़ी पूड़ी खाएंगे और चने खाएंगे, हलवा खाएंगे, बहुत कुछ खाएंगे। और अभी मेरी वापस शक्ति आ रही है वो टेस्ट वाली, तो अभी जाके खाना खाते हैं और उसके बाद बात करते हैं। चलो खाना खाते हैं। तो गाइस खाना आ चुका है, चने की सब्जी है जो भंडारे में भी बनती है, ये मैदे की पूड़ी है, ये नॉर्मल पूड़ी, ये हलवा, ये चावल, ये दाल और ये रायता। मेरी शक्ति वापस आ गई, अब इसे खाते हैं गाइस। तो अब खाएंगे खाना, मेरी शक्ति वापस आ रही है। क्या ही बोल, मेरे को अच्छा लग रहा, मेरा टेस्ट वापस आ रहा है। और आज मैंने टेस्ट करवाया, इसको आने में 4 दिन है रिपोर्ट आने में, और मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। पर वो 4 दिन जो आज से है, अष्टमी से, मैं थोड़ा और अपना ख्याल रखूंगा और इम्यूनिटी बूस्ट करूंगा, और आप लोग भी कर सकते हैं। और डरने की जरूरत, डरने की बात नहीं, रिलैक्स होके खाता हूँ मैं। और किसी को करोना ना हो, सब ठीक हो जाए, फिर से वापस लॉकडाउन खुल जाए, मैं तो यही प्रे करूँगा आज भगवान से। और गाइस आप लोग अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सेफ रहें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते रहें।
सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक डू सब्सक्राइब माई चैनल रोड साइड लाइफ व्लॉग, पीस आउट।